और दोस्तों ये नया कबूतर अगर अंदर चले गया तो दोस्तों ये कबूतर वापस से पकड़ लूँगा मैं। दोस्त चार पाँच लेके आएगा ये, इसको धीरे धीरे दोस्तों अंदर जाता देखते हैं, ये डराते नहीं इसको। और भाई साहब ये गया अंदर, ये जा रहा है दोस्तों धीरे धीरे। ये दोस्तों जैसे अंदर जाएगा वैसे ही मैं दरवाज़ा लगा के बंद कर दूंगा, अब इसको अंदर जाने देते हैं। दोस्तों ये हमारा कबूतर गया अंदर। दोस्तों देखिए फाइनली मैंने नया कबूतर पकड़ लिया है। और ये दोस्त अभी दोस्तों हमारी छत पर एक नायाब कबूतर आके बैठा है, और दोस्तों मेरा ही कबूतर जिसके पाँव में घुंघरू थे। अभी तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर बैठे, देखिए अभी मेरे जितने भी कबूतर के पंख खुले हुए थे सबको भाई मैंने यहाँ पे कर दिया है। और आधे कबूतर ये भी देखिए, ये वाला दोस्तों जो कबूतर घुंघरू वाला है दोस्तों ये मेरा ही कबूतर है जो उड़ के गया था, जो गुलाट वाली मादी दोस्तों इसके साथ लगी हुई थी। देखिए इसके पाँव में घुंघरू है। और दोस्तों सेम एक कबूतर और मैं ले गया था ऐसा, उसके पाँव में घुंघरू नहीं। और दोस्तों घुंघरू वाला कबूतर मेरा ही है। देखिए अभी सारे कबूतर वहाँ दाना पानी खाने के लिए उतर रहे हैं, अब इनको वहाँ पर दाना पानी डालेंगे। और दोस्तों जब ये कबूतर अंदर आएंगे तो इनको भगवान करे भाई अंदर आ जाए, नया कबूतर है दोस्तों पकड़ने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप इसको चेक करके कितना था गर्म कबूतर है, देखें ये देखिए उधर चल गया थोड़ा सा नीचे की तरफ। और दोस्तों ये कबूतर भाई उड़ के भाग भी जा रहा है। दोस्तों अभी कबूतर को बाहर छोड़े और पानी आ गया, अभी तक डर लग रहा है यार जो कबूतर भाग नहीं जाए। तो दोस्तों मैं फटाफट से इनको दाना पानी डालता हूँ, देखते हैं उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो पानी आ रहा है फिलहाल, तो अभी देखते हैं हमारे कबूतर भाई अंदर जाएंगे। तो ये भी अंदर जाएगा, ये देखिए भाई कबूतर हैगा यहाँ पर। और दोस्तों ये हमारे कबूतर अभी अंदर जाने, तो कभी ये भी अंदर चला जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और इसी चक्कर में दोस्तों मुझे भी गीला होना पड़ रहा है। देखिए भाई उड़ के प्लीज़ भागना मत, भागना मत, भागना मत, भागना मत। दोस्तों देखिए अभी दाना खाने में लग गया है ये। दोस्तों अब हमारे कबूतर अंदर जाएंगे तो ये भी हो सकता है अंदर जाए, और बाकी कबूतर दोस्तों हमारे ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पत्थरे पर, ये भी भाई नीचे आ जाएंगे। ये तो घर के पक्के हैं दोस्तों, लेकिन ये कबूतर ये भी पक्का है, लेकिन ये बाहर एक बार भाई खुद से भागा था, अभी देखते हैं पकड़ा था कि नहीं। और भाई देखिए अभी हमारी मुर्गियाँ तो अब सारे भी यहाँ पर घूम रहे हैं, और देखिए कबूतर गया अंदर। और दोस्तों ये नया कबूतर अगर अंदर चले गया तो दोस्तों ये कबूतर वापस से पकड़ लूँगा मैं। दोस्तों ये मेरा ही कबूतर है, कभी मैं इसके लिए दाना पानी लेके आया। ये इसको धीरे धीरे दोस्तों अंदर जाता है, देखते हैं ये डराते नहीं इसको। और भाई साहब ये गया अंदर, ये जा रहा है दोस्तों धीरे धीरे। ये दोस्तों जैसे अंदर जाएगा वैसे ही मैं दरवाज़ा लगा के बंद कर दूंगा, अब इसको अंदर जाने देते हैं। दोस्तों ये हमारा कबूतर गया अंदर। तो दोस्तों से दरवाज़ा लगाता हूँ। दोस्तों अभी देखिए हमारा ये नया वाला कबूतर अंदर आ चुका है, और इसको अभी पकड़ते हैं, मैं पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैंने नया कबूतर पकड़ लिया है, और ये दोस्तों मेरा ही कबूतर है। इसको कम से कम 15 से 20 दिनों बाद ये घर में आया है, और देखिए कितना ज़्यादा मस्त कबूतर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गर्म कबूतर है। और ये इसकी मादी शायद मादी ढूंढ रहा होगा दोस्तों, इसको जगह पता थी तो ये हमारे कबूतर के बीच में बैठ जाता है। अभी हमारे जितने कबूतर हैं उन सबको अंदर बुलाता हूं दोस्तों, एक बार आप इसके पंख बांधता हूं और उसके बाद आपको इसका शौक कराता हूं। दोस्तों अभी देखिए मैंने फाइनली नया वाला कबूतर पकड़ लिया है, और अभी आपको देखिए इसका शौक कराता है। ये देखिए बाकी हमारे कबूतर यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको दोस्तों नीचे उतारेंगे अगर तो खुद से आ जाएंगे, इनकी कोई समस्या नहीं। और दोस्तों ये मेरा ही कबूतर मैंने वापस पकड़ लिया है काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद। इधर पता नहीं इधर कहाँ जाता था, इधर बार बार जाता था और वापस आ जाता। देखिए ये वो जो ऊपर नर बैठा हुआ है उसकी तरह दोस्तों सेम है ये, तो मैं कभी सोच नहीं पड़ जाता एक बार पहले भी आया था कि भाई ये नर बैठा है, लेकिन उसके दोस्तों पेट पर कलर करा हुआ है। और ये देखिए इसको भाई कलर करा हुआ नहीं है। और दोस्तों ये पैर में घुंघरू वाला है, तो घुंघरू वाला दोस्तों आज कबूतर पकड़ लिया। तभी मैंने इसके पंख बांध दिए, तो इसको अभी इसके पंख में टेप चिपका दिया और इसको अभी नीचे छोड़ेंगे। देखिए कितना ज़्यादा मस्त कबूतर है यार, मज़े आ गए दोस्तों। देखिए बिल्कुल इसकी आँख देखिए। और आज दोस्तों हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है, और हमारे इधर कुत्ते काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी हमारे जितने कबूतर इन सबको नीचे उतारते हैं, क्योंकि ये उड़ नहीं पाएंगे भाई। ये देखिए अभी इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। ये देखिए इसके दोस्तों पंख बांध दिए, अभी यहाँ पर ही घूमेगा, कहीं ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर भागने की कोशिश करेगा तो हम इसका कुछ फिर इलाज करेंगे। दोस्तों भागना तो नहीं चाहिए, नया कबूतर है, इसको कम से कम 8 से 10 दिन दोस्तों पंख बांध के रखें, क्योंकि 500 ले किसी के यहाँ पे चल गया था। अभी हमारे जितने कबूतर इन सबको नीचे करते हैं, और इसको भी भाई बाहर करते हैं, ये भी बाहर घूमेगा। और दोस्तों अभी हमारी जो मुर्गी है उसको अंडों पे से उठाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं अंडे के ऊपर ही बैठी हुई है, तो उसको अंडों पर उठाते हैं। और दोस्तों आज एक गुड न्यूज़ आपको ये देने की, देखिए हमारी मुर्गी सब यहाँ पर अंडे देती थी, लेकिन अभी मैं जो आया हूँ थोड़ा एक बार दरवाजा अटका देता हूँ। अभी जब मैं जब आया दोस्तों, तो देखिए हमारी ये यहाँ पर किसी मुर्गी ने अंडा दे रखा है, और दोस्तों ये अंडा बिल्कुल छोटा है, इस साइज़ का अंडा आज तक मेरे पास अभी आया नहीं है। और ये मतलब दोस्तों चॉकलेटी अंडा है, थोड़ा थोड़ा इसका कलर चॉकलेटी में। तो मुझे तो दोस्तों लगता है ये हमारी जो नई वाली मुर्गी है जो मैं बाद में लेकर आया था, उसने दोस्तों मुझे लगता है अंडा दे दिया। ये देखिए इसका साइज़ और दोस्तों कलर देख के अलग ही दिख रहा है कि उसने अंडा दिया, क्योंकि हमारी जो मुर्गी है कड़कनाथ इतना ज़्यादा डार्क अंडा नहीं देती, जो वाइट वाली मुर्गी है वो भी इतना ज़्यादा डार्क अंडा नहीं देती। तो दोस्तों हमारी आज नई मुर्गी ने भी अंडा दे दिया, आज तो दोस्तों गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ मिलती जा रही है, लेकिन किसी दिन गुड न्यूज़ किसी दिन बैड न्यूज़। तो दोस्तों यही है, अभी हमारी मुर्गी को उठाते हैं। और दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ जो हमारी मुर्गी के नीचे
हमारे जो कबूतर का अंडा था वो भी मुर्गी नीचे रख देते हैं, क्योंकि कबूतर कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, तो अगर मुर्गी के नीचे रहेगा तो भाई कबूतर हमेशा बैठ पाएंगे। और देखिए यार नर किस तरीके से बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों आज ये नर पकड़ने काफी ज्यादा यार खुशी हो रही मुझे तो। और हमारे ये वाला जोड़ है इसने यहाँ पर भाई अंडे बच्चे देने के लिए देखिए पूरा अच्छी तरीके से घोंसला बनाया, कितने मस्त घोंसला बनाया। बस जल्दी से अंडे दे दो यार। दोस्तों एक बार आपको इनकी जोड़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अभी दोस्तों हमारी मुर्गी को दाना पानी डालते हैं, उसको उठाते हैं उसकी जगह पे से। अभी दोस्तों देखिए हमारी मुर्गी को यहाँ पे दाना रख दिया, ये खुद ही दाना खा लेगी और थोड़ी देर में इसको भाई पानी भी रख देंगे। अभी दोस्तों यार मैं तो आज काफी ज्यादा मूड फ्रेश हो गया, नया कबूतर पकड़ा है उसको देखिए यहाँ पे घूम रहा है। अभी इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि मैंने इसके पंख बांध दिए हैं तो ज्यादा भाग नहीं सकता। दोस्तों सारे कबूतर को बाहर निकालेंगे और एक बार उड़ाने की कोशिश करते हैं उड़ते भी हैं कि नहीं। और देखिए दोस्तों जी हमारा ये वाला छोटा वाला नर है, आज भी मैंने इसको गुटकते हुए देखा था तो गुटक रहा दोस्तों, काफी अच्छी बात है, अच्छी तरीके से गुटकेगा, जल्दी जोड़ जमेगा। देखिए दोस्तों इन दोनों की जोड़ मुझे जमानी चाहिए कि नहीं, अगर दोस्तों इसकी जोड़ उसके साथ जम जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं जमती है तो इसके लिए भाई यही जोड़ जमाएंगे और काफी ज्यादा अच्छे बच्चे निकालेंगे। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मैंने जो कबूतर पकड़ा तो आपको कबूतर कैसे लगेगा कमेंट जरूर बताना। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।